अब मैया सम्मान योजना की राशि बढ़ा के 2500 कर दिए गए हैं। 1000 मिलता था पहले, अब 2500 रुपये मिलेगा दिसंबर से। नया आवेदन शुरू हो गया, नया फॉर्म भरने का शुरू हो गया। सबसे पहले आपको इस साइट पे आना है, लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे। यहाँ पर प्रज्ञा केंद्र लॉगिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर 5 प्रमंडल यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है, हजारीबाग, रांची, किसी में क्लिक करके आप ऑनलाइन कर सकते हैं। हम रांची प्रमंडल में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रज्ञा केंद्र CSE लॉगिन यहाँ पर ओपन हो जा रहा है, तो CSE ID और पासवर्ड कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करेंगे। ये काम प्रज्ञा केंद्र वाले करेंगे। लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देगा, यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले आधार संख्या लिखना है, ऑफलाइन मोड में आपको भरना है। होम पे क्लिक करें और एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन मोड अभी ऑन नहीं है, तो ऑफलाइन मोड में हमको फॉर्म भरना है। ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए ऑफलाइन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आधार नंबर टाइप करना है, जिसका भी ऑनलाइन आवेदन करना है उसका आधार नंबर यहाँ टाइप कर देंगे। आधार नंबर टाइप करने के बाद आगे बढ़ेंगे, आवेदिका का नाम, तो देखिए यहाँ पर आवेदिका का नाम टाइप कर देंगे। उसके नीचे पिता या पति का नाम यहाँ पर लिखेंगे। आधार कार्ड से देख देख के सारा फॉर्म को भरना है सही सही। साइड में यहाँ पर पता, ग्राम, कौन सा ग्राम का निवासी है वो यहाँ पर टाइप करेंगे। थाना यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद जिला, कौन से जिला से हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे यहाँ पर प्रखंड सिलेक्ट करेंगे, कौन सा प्रखंड का रहने वाला निवासी है वो प्रखंड यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर पंचायत सिलेक्ट करना है, जो पंचायत है वो सिलेक्ट करेंगे। बैंक का खाता संख्या यहाँ पर टाइप करना है, जो भी बैंक अकाउंट है यहाँ पर टाइप कर देंगे। तो चलिए अकाउंट नंबर यहाँ पर टाइप कर देते हैं, सही सही फिल करना है। उसके बाद खाता अगर आधार से लिंक है तो हाँ पे टिक लगा दें, नहीं तो नहीं पे टिक लगाएं। बैंक का नाम शाखा सहित, यानी जो भी बैंक का नाम है वो शाखा सहित यहाँ पर लिखना है, ब्रांच का नाम भी लिख देना है। बैंक का IFSC कोड जो है उसे टाइप कर देंगे। यहाँ पर राशन कार्ड का संख्या नंबर, राशन नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे। पैन कार्ड है तो दें, नहीं तो छोड़ दें। नीचे यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करना है, अनुसूचित जाति जनजाति जो भी है सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर टाइप करेंगे, जो डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में दिया हुआ है यहाँ पर टाइप करेंगे। नीचे उम्र अपने आप आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद नीचे उम्र ऑटोमेटिक आ जाता है। आवेदिका का मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखेंगे, सही मोबाइल नंबर लिखना है। यहाँ पर विवाहित है या नहीं उसे टिक लगा दें। यहाँ पर आवेदिका का स्थिति विधवा है या तलाकशुदा है जो भी है यहाँ टिक लगा दें।
नीचे देखेंगे तो यहाँ पर 100 KB का आपको अपलोड करना है घोषणा पत्र। यहाँ पर चॉइस फाइल पे क्लिक करके घोषणा पत्र यहाँ से अपलोड कर लेंगे। जो फॉर्म होता है जिसे आप स्कैन करके पहले से कंप्यूटर में रख लेंगे घोषणा पत्र को, उसके बाद यहाँ अपलोड करना, 100 KB में रहना चाहिए। नीचे टिक लगा देंगे और अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से फॉर्म फिलअप हो जाता है और कुछ देर में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि पावती क्रमांक यहाँ पर देखने को मिल जाता है और इस तरह से आपका सक्सेसफुल हो जाता है। यहाँ से आप प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट दे सकते हैं कस्टमर को। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से अगर आप अभी तक ऑनलाइन नहीं किए हैं तो जल्दी से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इतना करने के बाद सभी का फोटोकॉपी जेरॉक्स करा के आपको अपने ब्लॉक में जमा कर देना है और जमा करने के बाद आपका मैया सम्मान योजना की राशि मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये फॉर्म ऑफलाइन मोड में भरा गया है। अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन किस तरह से भरना है तो उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे देख के आप ऑनलाइन माध्यम से भी भर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन का प्रोसेस अभी सर्वर डाउन के कारण नहीं खुल रहा, जब खुलेगा तो आप उसे देख के ऑनलाइन भर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप मोबाइल से फॉर्म को भरना चाहते हैं अपने घर से, तो हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। अगला वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।